वही हर संडे की तरह हलवा और पूरी। आप भी बोलोगे कि इसके सिवा और कोई नाश्ता नहीं मिलता। आप भी बोलोगे कि हलवा पूरी के सिवा कोई नाश्ता भी नहीं खाते, क्या करें। ये कराची का, पाकिस्तान के कराची का ये नाश्ता जो है ना, फेवरेट नाश्ता, तो हर घर में ये नाश्ता चलता है। जैसे वो कहते हैं ना, घर 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 की कहानी, घर 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 का नाश्ता, हलवा पूड़ी के साथ आए हमारे साथ, आए हमारे साथ, एंजॉय कराए हमारे साथ। चले चलो खा लेते, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है ठीक है, आज वीडियो ना अनवे के पापा बनाएंगे। चलो खा लेते फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह में स्टार्ट किया है, और अभी जो है 12:15 बज रहे हैं सुबह के, और यहाँ पर रोहन अभी भी जो है ना उठा नहीं है, बिस्तरा छोड़ ही नहीं रहा है। रोहन देखो, रोहन आपने उठना नहीं है। हाँ रोहन कभी भी नींद आ रही है देखो। तो चलिए अभी जो है ना मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं यूँ ही स्टार्ट। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, चिकन का या तो फिर चिकन की कढ़ाई बनाऊँगी या फिर चिकन का सालन बनाऊँगी, क्या करूँगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये व्लॉग जो है ना मैंने कल, मतलब एक दिन मैंने लेट डालना है, क्योंकि मेरी कल तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था तबीयत को। ऊपर से ठंड भी हो रही है, सर्दी नज़ला ज़ुकाम ये सब कुछ। तो चलिए अभी जो है ना ये व्लॉग आप लोग को कल मिलेगा, ठीक है। और फटाफट से अब जो है ना मैं काम कर लेती हूँ, घर के काम भी करने हैं, सारा कुछ करना है। और फिर जो है अनवे को लेने जाऊंगी, अनवे को मैं 12:30 बजे लेने जाऊंगी। तो पहले अनवे को लेकर आएंगे, फिर बच्चों को कुछ नाश्ता खिलाऊंगी, उसके बाद जो है सारा कुछ काम होगा। जो कुछ भी करूंगी आप लोग शेयर करती रहूंगी, वीडियो को यूँ ही कंटिन्यू करती रहूंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई थी और किचन का काम कर रही थी। रोहन बार बार आके परेशान कर रहा था कि मम्मा ये पहनाओ वो पहनाओ, बस बार बार यही रोहन का लगा रहे थे। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने बर्तन धो लिए थे, और वैसे रात को भी मैंने धो लिए थे और सुबह के भी फिर मैंने साथ में मतलब धो लिए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी जो है ना, अभी बर्तन का पानी जो है वो निकल चुका है, तो गीले बर्तन जो है वो मैं नहीं रखती हूँ अपनी जगह पे, थोड़ी देर सुखाती हूँ, समझो 3 से 4 घंटे जो ना ऐसे छली में रहते, फिर जो है मतलब अपनी जगह पर लगाती हूँ बर्तन को, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तन जो थे ना वो अपनी जगह पर लगा रही थी, और दरवाजे पर अना पे बार बार कुछ सवाल किए जा रहे थे, उसको यही कह रही थी अना पे मुझे जो है ना व्लॉग बनाने दो, शोर मत करो। और मैं, मेरी नज़र जो है ना बार बार गेट की तरफ थी, आप लोग देख सकते हो व्लॉग में भी, और कैमरे को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी हुई थी। कैमरा भी पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही थी। तो चलो जैसा भी है आप लोगों ने जो है ना वो करना है एडजस्ट। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से जो है वो गैस जो है वो चूल्हा साफ़ कर लूँगी, और फिर किचन फटाफट से तैयार मतलब कर लूँगी साफ। जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तब अन्ना भी और रोहान जो है बाइक खेली खेली कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो वही अना वे कह रही थी, और इसके दोस्त भी इसके फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि आंटी आप जो है ना व्लॉग बना रही हैं, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था और वो समझ गए, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग देख रहे होते ना इस वजह से। तो फिर मैं यही हंस रही थी और इनसे यही बातें इन लोगों से भी कर रही थी यही। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं गैस को ना जो साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से, और किचन को जो है ना मैं डेली इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो इतना जो है वो गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से जो है कर लूँगी। और फिर यहाँ पर अना पे भी बार बार कुछ आके कह रही थी, और यही कह रही थी मम्मा पैसे दो चीज़ लेनी है, मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं मैं फटाफट जो किचन साफ़ कर लूँ, और उसके बाद जो है मैंने आपको नाश्ता बना के देना है। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ रखी हुई थी रात की, जो कि अभी जो इनको गर्म करके और ऑमलेट बना के दूँगी, तो ये लोग खा लेंगे दोनों। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं फटाफट से किचन जो है वो मैं क्लीन कर लूँगी, और इसके बाद जो है मैं इनको नाश्ता बना के दूँगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आजकल जो मौसम ऐसा हो रखा है ना,
कि यहाँ हमारी जो विंडो है ना, हॉल में विंडो है बड़ी सी, उस वहाँ से इतनी हवा आ रही होती है, मिट्टी भी आ रही होती है ना, हर चीज़ पे इतनी धूल मिट्टी जम रही है ना, अगर रोज़ भी सफाई करो ना तो वैसा के वैसा लगता है, एक घंटे के बाद लगता ही नहीं है कि कुछ भी साफ़ किया हुआ। इतनी यहाँ पर देखो जो भी मैं साफ़ करूँ हर जगह पर जो ना मिट्टी आ रही है, और लगता ही नहीं है कि मैं रोज़ सफाई करती हूँ। अनवी के पापा बोलते हैं, रात को अनवी के पापा आते हैं ना तो वो बोलते हैं तुम काम भी करती हो या नहीं। मैंने कहा अभी मैं काम कर तो रही होती हूँ लेकिन वही हो जाता है क्योंकि मौसम ऐसा है। हालांकि मैं विंडो सारी बंद रखती हूँ, खिड़कियाँ बंद होती है, फिर भी देखो यहाँ पर मैंने किचन जो है अच्छे से साफ़ कर लिया, और दोनों है ना भाई बहन बाहर खेली खेली कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना इनके लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। और मैं तो अंडा खाती नहीं हूँ, मैंने वही घर का पराठा ही खाया हुआ था सुबह में, क्योंकि मुझे ना घर की रोटी अगर रखी हुई होती है ना तो उसका पराठा बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर व्लॉग में ये कह रही होती हूँ, तो बस यहाँ पर जो है ना सुबह के मैंने पराठे बनाए थे, घी ज़्यादा डाला हुआ था तो वो फ्राई पैन में पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने धोया नहीं, उसको मैंने ढक के रख दिया था, और यहीं इसी में जो है ना इनके बच्चों का जो है वो अंडा बनाऊँगी और फिर रोटियाँ हल्की सी गर्म करके इनको खिला दूँगी। फिर क्या है कि अनबे को फिर मदरसे भी जाना होता है, और अनबे को है ना स्कूल जाती है ना उसके बाद मैं सुला देती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा ना अभी 2-3 दिन से अनबे ने रूटीन जो बनाई भी ना वो बस बैठ खेलने चली जाती है, उसको सोने का है ही नहीं बिल्कुल। हाँ ये है कि रात को जल्दी सो जाती है, तो फिर यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो अभी है ना अनाबे को मैं जल्दी से नाश्ता खिला दूंगी और फिर अनाबे खेलती रहेगी। अनाबे को तो है ही नहीं सोने का, बिल्कुल नींद उड़ गई अनाबे की, तो खेलना होता है तो फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही होती हूँ। और बस यहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं, लाइट भी हमारी आई नहीं थी, आई थी आधे घंटे के लिए आई थी और फिर चली गई थी लाइट। एक तो लाइट वालों ने ना इतना बेजार किया हुआ ना जिसकी कोई हद नहीं है, तो बस यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी रोटियाँ मैं गर्म कर लेती हूँ और चिकन भी निकालूँगी, घर के काम भी करूँगी बहुत सारे और क्या बोलते हैं, हाँ संडे वाले दिन जो है ना व्लॉग मैंने सुबह में शूट किया था, फिर रात को जो है ना बिरयानी मैंने बनाई थी, वो मैंने कोई शूट खास की नहीं, और अनबी के पापा जो है ना किसी काम के लिए भी चले गए थे तो फिर शूट वहीं का वहीं रह गया था। तो यहाँ पर जो है फिर शाम का टाइम था और क्या बोलते हैं, माँ बोल रही थी मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, तो फिर माँ बना रही थी और मैं देख रही थी, माँ बोल रही तुम जो है ना टमाटर ज़्यादा डाल देती हो, तो मैं बना रही हूँ और मैं अलग तरीके से बनाती, माँ अलग तरीके से बनाती है, तो फिर वही मैं देख भी रही थी। और फिर माँ ने कहा कि तुम अभी आई हो, क्योंकि मैं किसी काम से गई हुई थी, रोहान को माँ के पास छोड़ा हुआ था ना, अभी ट्यूशन गई हुई थी और मैं अकेली गई हुई थी, किसी काम से ज़रूरी काम था तो फिर मुझे जाना पड़ा, और फिर आई तो फिर माँ ने बोला मैं बना लेती हूँ। अनबे आई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि अनबे ट्यूशन से आ रही होती है कुछ भी होता है, तो बस यहाँ पर जो है रोहान ऐसा परेशान कर रहा था, देखो कैसे खेली खेली कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी कि माँ कैसे बना रही कढ़ाई, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, और आखिरी इसका लुक जो होगा ना फाइनल लुक वो भी मैं ज़रूर क्लिप लगा दूँगी एंड में, ठीक है। तो फाइनली जो है कढ़ाई तैयार हो गई थी, माँ ने बना ली थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, खुशबू इतनी अच्छी है, मज़े वाली आ रही थी ना, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना तो फ़ौरन से ना लाइक कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिसने खाना है वो आ सकता है हमारे घर कढ़ाई खाने के लिए तो चलिए यहाँ पर करती वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।